So तो जिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा एंड आप मुझे आप सकते हैं, इंस्टा एंड एफ बी पे भी

इसकी जो पैकिंग है वो कुछ इस तरह की है नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकिंग है इसकी वाइट कलर का शाइनिंग सा है ये पैक आप इसमें देखो तो काफी शाइन सी है एंड इसमें गोल्डन से यहाँ पे ये प्रिंट किया गया है द जैकलिन हिल पैलेट मोफे एंड पीछे कुछ इस तरह से है ये पैलेट मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है और ये कवर था कुछ बबल स्ट्रैप में एंड नॉर्मली जो अमेज़ॉन की पैकिंग होती है काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग की गई थी ताकि इस प्रोडक्ट के साथ किसी तरह का कोई नुकसान ना हो टूट फूट ना हो एंड इसके साथ मुझे ये जो फोर सेट ऑफ ब्रश है ये मुझे इसके साथ एज अ गिफ्ट या फ्री मुझे मिला है इसके साथ ही इनक्लूड है अगर आप अमेजन पे सर्च करेंगे तो एंड ये जो ब्रशेज़ हैं ये कुछ इस तरह से हैं, फोर ब्रश है अगर देखा जाए तो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है काफी डेंस है फॉल आउट भी नहीं है इसमें तो ब्रश इज ओके अब बात कर लेते हैं अपने पैलेट की तो इस तरह का है ये हमारा पैलेट और इसे अगर हम ओपन करें यस, ठीक तो है ओपन करने पे कुछ इस तरह से है ये हमारा ये बॉक्स है जिसे मैंने हटा दिया यहाँ पे यहां पे भी देखिए आप बबल रैपिंग की गई है ताकि इसे किसी तरह का कोई हार्म ना हो बेसिकली बबल पाउच है सेम प्रिंट आपको यहां पे भी मिलेगा जो आपके इस बॉक्स पे मेंशन है वैसा ही प्रिंट आपको यहां पे भी मिल रहा है बैक साइड में आपको यहां पे लिखा मिल जाएगा मॉरफी एक्स जैकलिन हिल तो लुक वाइज ओके है बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है इट्स ओके प्लेन है काफी अगर आप यहाँ पे देखो तो काफी स्लिम है लुक लाइक अ डायरी ओ बुक ओपन करके देखते हैं वाह wow. कलर कॉम्बिनेशन इज गड जिस तरह से अमेजोन पे प्रेजेंट किया गया था कलर कॉम्बिनेशन ठीक वैसा ही कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे भी और यहाँ पे आप देखो एक ये प्लेन फिल्म लगी हुई है जैसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ एंड इस जगह पे जहाँ पे नॉर्मली मिरर वगैरह होते हैं इस जगह पे यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है जो ओरिजिनल में भी लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पे थोड़ा मिरर होता तो अच्छी बात होती बट यहाँ पे मिरर नहीं दिया गया है और जो पैलेट है आप बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे बहुत इजली ओपन हो जाता है एंड क्लोज वापस से आप इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसे इस तरह से करना पड़ेगा यू यहाँ पे देखिए इस ये जो पैकिंग है इसकी पैकिंग में यहाँ पे इस तरह से मैग्नेट का यूज किया गया है ताकि जैसे ही आप इसको क्लोज करें ये क्लोज हो जाए और आपको इसको ओपन करने के लिए हल्का सा पुश करना पड़ता है सो पैकिंग वाइज इज गुड एंड अब हम बात करते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की सो कलर कॉम्बिनेशन आपको इस तरह के इसमें मिल जाते हैं कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन है कलर कॉम्बिनेशन इज गुड और यहाँ पे जो शेड्स हैं वो आपको मिलेंगे कुछ शिमरी हैं कुछ पाउडरी शेड्स हैं इसमें आपको टोटल थर्टी फाइव शेड्स मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ स्वच्छ दिखा देती हूँ सारे तो नहीं पर कुछ दिखा देती हूँ जैसे कि अगर हमें स्मोकी आइस करना है तो स्मोकी आइस के लिए हम यहाँ पे ये यह ब्लैक वाला पिक कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा यहां पे देखिए ब्लैक ओके बहुत हाईली पिगमेंटेड नहीं है पर इसका शेड आप बिल्ड कर सकते हो नेक्स्ट मैं यहां पे ले रही हूं ये ये वाले ये ग्रीन अभी हम पाउडर शेड्स की बात कर ले रहे हैं ये वाला ग्रीन एंड दिस वन और यहां पे हम इसका भी आपको एक ये देखिए तो जो पाउडर शेड्स हैं वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है ओके okay, ओके okay, कह सकते हैं बट अगर आप इसे बेल्ट करेंगे तो आई होप ये बिल्ड होने जाना चाहिए नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूं दिस वन दिस दिस वन एंड दिस वन तो ये चार शेड्स भी मैंने पिक किए हैं एंड मैं यहां पे आपको तो यहां पे ये अच्छी इस शेड्स की आपको अच्छी पिगमेंटेशन मिल जाती है अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे पिक करूंगी अपने शिमरी शेड्स जो है हमारे लाइक द ब्लू वन ग्रीन एंड द कॉपो वन तो इनको भी मैं यहाँ पे वाओ वेरी नाइस पिगमेंटेशन इसकी पिगमेंटेशन आप देखो ग्रीन की एंड द कॉपर वन पिगमेंटेशन इज गुड मतलब अगर आप हम बात करें कंपेयर कर लें तो जो पाउडर शेड्स हैं उसके पिगमेंटेशन आपको बिल्ट करनी पड़ेगी जबकि जो शिमरी शेड्स हैं इसकी अच्छी खासी पिगमेंटेशन है जब आप अपना आई मेकअप करोगे तो आपको अच्छी पिगमेंटेशन मिल जाएगी सो दिस पैलेट इज वेरी गुड फॉर ब्राइडल मेकअप लोक अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो रही हूँ ये भी शिमरी शेड्स हैं काफी लाइट है लेकिन बट्स ओके इन्हें पिक कर रही हूँ मैं एंड And... पिगमेंटेशन काफी अच्छी है तो अब मैं करूंगी अपना आई मेकअप इस पैलेट के साथ ताकि पता चले हमें प्रैक्टिकल वे में कि ये वास्तव में इतनी ही अच्छी तरीके से हमारी आईज पे ब्लेंड हो रहे हैं या नहीं तो लेट्स स्टार्ट सो फॉर द ट्रांजेक्शन आई पिक दिस कलर एंड आईलेट पे मैं यूज करूंगी ये वाला कलर एंड दिस इज शिमरे शेड और मैंने ये कलर ना अपनी पूरी आईलेट पे अच्छी तरीके से अप्लाई किया हुआ है आपको सिर्फ पिक करना है और यहाँ पे टैप कर लेना है तो आपके आईलेट पे बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाएंगे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ब्लेंड करने में इजली ब्लेंड हो जा रहा है अब मैं पिक कर रही हूँ इस वाले शेड को और इसे मैं लगाऊँगी अपने सेंटर पे एक कट क्रीज जैसा देने के लिए इसे मैं हाथ से ही कर ले रही हूँ मैं पिक कर रही हूँ ये वाला एंड मैं ब्लैक दोनों को मिक्स करते हुए मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं अभी से थोड़ा सा इस मजर से ब्लेंड कर लूंगी मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है सिर्फ हल्का सा अप्लाई किया है एंड इट अप्लाई कर लूंगी अपना काजल मस्कारा ताकि एक पूरा लुक आपको दिखाई देस इज माई आई मेकअप लुक विथ यूजिंग दिस पैलेट एंड क्वाइट इम्प्रेसिव मेकअप है ये बहुत ज्यादा मैंने बोल्ड सा या स्मोकी यहाँ पे नहीं किया है मैंने एक सिंपल आई मेकअप लुक क्रिएट किया है आई होप ये आपको पसंद आएगा और इसकी जो पिगमेंटेशन है इसका जो ब्लैंडिंग है वो काफी अच्छा है बहुत ज्यादा आपको ब्लैंड करने में टाइम नहीं जाने वाला है और काफी अच्छे से ब्रश में पिक हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को आप बाय करते हो तो आप बहुत सैड हो जाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट यस ठीक है एन है अगर आप कम बजट में लेना चाहते हैं तो आप इसे पिक कर सकते हैं एंड इसका टोटल प्राइस मुझे डिलीवरी चार्जेस एंड पैकिंग चार्जेस एंड ऑल दैट करके मुझे टोटल ये uh, मिल गया था 400 के अंदर अंदर ही ये मुझे रिसीव हो गया था सो so, ये था मेरा रिव्यू इस uh, आई पैलेट को लेकर के आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर